सिद्धारमैया 20 मई को कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दक्षिण का द्वार कहे जाने वाले कर्नाटक में कांग्रेस ने 135 सीटों के साथ प्रचंड जीत हासिल की है। 223 में 5 राज्यों में विधानसभा और 224 के लोकसभा चुनाव से पहले इस जीत को कांग्रेस के लिए संजीवनी के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस ने शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने के लिए जोर शोर से तैयारियां शुरू कर ली है। देश भर की तमाम पार्टियों के नेताओं को निमंत्रण भेजा जा रहा है। कांग्रेस केंद्र में रहकर इस समारोह का विपक्ष के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर आयोजन करना चाहती है। कांग्रेस की ओर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और तेलंगाना के सीएम केसीआर को इसका न्योता नहीं भेजा गया है। माना जा रहा है कि कांग्रेस ने सियासी समीकरणों को देखते हुए इन दलों से दूरी बनाए रखने का फैसला किया है। कर्नाटक में कांग्रेस की इस जीत से सिर्फ बीजेपी को सत्ता से फेरबदल किया गया है, बल्कि देश भर में अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों में जोश भरने का काम भी किया है। कांग्रेस के थिंक टैंक का मानना है कि ये जीत 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेताओं में ऊर्जा भरने का काम करेगी। कांग्रेस सिद्धारमैया के शपथ ग्रहण को भव्य बनाकर विपक्षी एकता का भी संकेत देना चाहती है। बता दें कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार को बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती, बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, सपा के प्रमुख अखिलेश यादव, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे, अभिनेता और एमएनएम प्रमुख कमल हासन को भी न्योता भेजा गया है। वहीं ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक, आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी, केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन, तेलंगाना के सीएम केसीआर और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को न्योता नहीं भेजा गया है। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें।